जी प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के निर्देशानुसार उत्तर एवं दक्षिण मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का पुतला दहन किया है। पुतला दहन हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इनके द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई। इतना ही नहीं, दिल्ली में जब इनको अरेस्ट किया गया इसी मामले में, उसके बाद पुनः उनके द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई। हम लोगों ने पुतला दहन करके यहाँ SP के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि छत्तीसगढ़ में इनको आने ना दिया जाए और इनके खिलाफ़ FIR दर्ज करके इन्हें अंदर किया जाए, क्योंकि यहाँ आएंगे फिर यहाँ का वातावरण ये दूषित करने का काम करेंगे। इन्होंने जो गलती की है, अमर्यादित टिप्पणी की है, यह बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है, इसलिए इनके नाम से FIR होना चाहिए। ऐसा नहीं है, किसी को नहीं करना चाहिए, चीज़ें कंडीशनल होती है और जैसा समय रहता है उस टाइप से इस बीच हुआ करता है। बीच में बात चल रही है, अगर ऐसा रहा तो विपक्षी और पक्ष के लोग भी एक दर्जन से ज़्यादा क्या बोलते हैं, नेता अंदर चले जाएंगे हेट स्पीच के बारे में, आपने सुना होगा। नहीं, मतलब ये है भैया कि सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इसलिए बयानबाजी कर, अलग चीज़ है भाई, लेकिन देखना ये चाहिए उनको कि वो किस जगह पे बैठे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जैसे पद में बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली नहीं बकाया बल्कि प्रधानमंत्री जैसे पद को गाली बकाया। प्रधानमंत्री ने भी कहा सदन में कि गांधी क्यों, नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते, इस पे क्या कहोगे? नहीं, अब अविवादित टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी मोदी जी ने कहीं पे नहीं किया है, बल्कि जो पवन खेड़ा दिखा दी 50,000 की जर्सी का है, अमर्यादित टिप्पणी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी बल्कि इन्होंने जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की है राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद, और एक ऐसे पद में बैठे व्यक्ति का जिन्होंने जो 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसा बयानबाजी करना ये वास्तव में अमर्यादित है।